राधे राधे दोस्तों, आज है मंडे और सुबह का टाइम है और सुबह का नज़ारा ना देखने से बिल्कुल मन को शांति मिल जाती है और थोड़ा सा क्लाउडी क्लाउडी वेदर है। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 8 बजे का टाइम है, अभी से मैं अपना मॉर्निंग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो डेली ब्लॉग मैं पोस्ट करती हूँ और आज मैं मेरा प्रेगनेंसी में 5 मंथ प्रेगनेंसी में व्हाट आई ईट इन अ डे, क्या क्या खाती हूँ, क्या करती हूँ, सब कुछ इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आएगा और मेरे साथ साथ बहुत मेरे फैमिली मेम्बर ऐसे हैं जो मेरे साथ साथ ये प्रेगनेंसी जर्नी इन्जॉय कर रहे हैं या फिर वो जानना चाहते हैं मैं क्या क्या खाती हूँ। तो इसीलिए ये ब्लॉग मैं बना रही हूँ ताकि मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर पाऊँ। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मैं उठी हूँ सुबह 6 बजे, उठ के मेरा घर का काम ऑलमोस्ट हो चुका है कंप्लीट। थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, इधर अभी तक क्लीन नहीं हुआ है। तो आज मैं डेली ब्लॉग नहीं शेयर करूँगी, आज मैं क्या क्या खाती हूँ वही आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। तो सुबह उठते ही दोस्तों, सबसे पहले मैं लेती हूँ 1 गिलास पानी। और ये ना सुबह उठने के बाद मैं ये सेकेंड टाइम पानी पी रही हूँ, इससे पहले उठने के बाद मैंने 1 लीटर पानी मैंने फिनिश कर लिया है। और रोज़ मैं 6 से 7 लीटर पानी मैं रोज़ पीती हूँ और ये मेरा एक डेली रूटीन बन चुका है। और इस टाइम मैं पानी कम पीती हूँ तो मुझे ही थोड़ा सा ख़राब लगता है कि नहीं मुझे पीना है, अब जो है ना एक आदत सा हो गया है, तो सबसे पहले पानी पी लेना चाहिए। और ऐसे मैं ना 1-1 लीटर का बोतल भर के रखती हूँ, कभी मैं कोई भी काम करती हूँ ना एक बोतल पानी मेरा हमेशा साथ में रहता है। प्यास लगती है मैं तुरंत पानी पी लेती हूँ, थोड़ा सा मेरा जी मचलाता है मैं तुरंत पानी पी लेती हूँ। ऐसे करके मेरा पेट जो है टैंकी बन चुका है और टैंकी बनाना भी चाहिए। और ये मेरा है ब्रेकफास्ट सुबह का, और ब्रेकफास्ट में है आमंड काजू और यहाँ पर अखरोट है और एक जो है बॉयल्ड एग है। और अभी मैं करूँगी अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, तो इसी में जो है मेरा पेट पूरा भर जाता है। और पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ना मैं एग नहीं ले पाती थी, बस 2-3 दिन ही हुआ है मैं बस एग लेना स्टार्ट किया है, क्योंकि एग है सबसे बड़ा विटामिन प्रोटीन का सोर्स और ये लेना ही चाहिए प्रेगनेंसी में। और जो लोग वेजिटेरियन है वो पनीर ले सकते हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ें वो ले सकते हैं, लेकिन हम लोग खा सकते हैं तो हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं, मैं खा रही हूँ एग। और यहाँ पे बाबू भी मेरे साथ है, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैं बाबू को भी दे रही हूँ, बाबू तुम्हें खाना है तो तुम खाओ। वो ना बहुत ज़्यादा नखरेबाज है आराम से, मतलब कुछ भी मैं खाती हूँ ना वो साथ में होता है तो बहुत ज़्यादा नखरे दिखाता है, मुझे नहीं खाना है नहीं खाना है। अब देखो शैतानी कर रहा है, कितना ज़्यादा शैतानी कर रहा है, इतना ज़्यादा शैतान है ही, ये देखो ये देखो। और उसे मैं कपड़े पहना के रख ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि ना कपड़े पहनाओ तो तुरंत उतार के रख देता है कि मम्मी गर्मी लग रही। तो यहाँ मैं वही समझा रही थी, बाबू कपड़े पहन लो ऐसे मत घूमो, लेकिन उसका कहना है नहीं गर्मी लग रही मम्मी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे उसके साथ बात करते करते और आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते करते मैं कर रही हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और इसी ब्रेकफास्ट के साथ ना ड्राई फ्रूट, एग हो गया, दूध हो गया, ये सब ब्रेकफास्ट करते करते सुबह का टाइम मेरा ऐसे ही निकल जाता है। और कामों के बीच बीच में ना मैं अपना ध्यान रखना कभी भी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा ध्यान रखने के लिए कोई और है नहीं, हस्बैंड है, उन्हें जितना करना होता है वो करके चले जाते हैं और सब चीज़ लेके आते हैं, सब चीज़ मेरा फ्रिज में होता है। बस मेरा काम है टाइम टू टाइम घर का थोड़ा बहुत काम करना और अपना ध्यान रखना और अपना आने वाले जो बेबी है उसका हेल्थ का ध्यान रखते हुए सब टाइम टू टाइम सब कुछ करना। तो यहाँ पे देखिए 10:30 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना केसर वाला दूध, जो कि सुबह के टाइम जो ताज़े दूध आता है ना वही बॉयल करके मैं उसी टाइम रख देती हूँ। यहाँ पे जो है केसर डाल के मैं ऐड करके रख देती हूँ, थोड़ा सा गुनगुना होता है और केसर का थोड़ा सा कलर छूटने के बाद 10:30 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद 1.5 घंटे बाद मैं लेती हूँ यहाँ पे दूध, और जो कि मैं पहले शाम के टाइम लेती थी, मतलब रात को लेती थी, और उससे ना नींद बहुत अच्छा आता था, लेकिन वो मैं नहीं ले पाती थी, मुझे बहुत ज़्यादा स्मेल लगता था और मुझे उल्टी की फीलिंग होती थी, तो इसलिए मैं वो स्किप करके मैं सुबह के टाइम लेने लगी 1 गिलास दूध। तो यहाँ पर मेरा हो गया सेकेंड टाइम ब्रेकफास्ट, मतलब सेकेंड जो मील है वो मेरा हो गया है कम्प्लीट। और इस टाइम ना अब लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मतलब मैं खाती ही जा रही हूँ, ऐसा नहीं, मैं जो है बीच बीच के मैं घर का काम भी कर रही हूँ।
और दोस्तों इस टाइम मैं कोई विटामिन गोली नहीं ले रही हूँ, कोई भी मेडिसिन मैं नहीं ले रही हूँ, क्योंकि ना मेडिसिन लेने से मेरा हेल्थ और भी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। क्योंकि जब भी मैं मतलब विटामिन की गोलियाँ लेती हूँ ना, तब भी मेरा सर बहुत घूमता है और मैं चक्कर खा के गिर भी जाती हूँ। ऐसा ही बाबू के टाइम में भी ऐसा हुआ था, मैं गोली नहीं ले पाती थी और बाबू के टाइम में भी मैंने कोई भी विटामिन की गोलियाँ नहीं लिया था। और इस वजह से डॉक्टर ने मुझे कह दिया था कि तुम हर एक मील में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हर चीज़ रखो, हर सब कुछ रखो, क्योंकि तुम विटामिन की गोली नहीं ले पा रहे हो। इसलिए विटामिन की जितने भी सोर्स है सब कुछ मील में रखने की कोशिश करती हूँ, इस टाइम नहीं तो दूसरे टाइम ले लेती हूँ, ऐसा करके मैं मैनेज करती हूँ। और गोलियाँ लेने से ये होता है कि मैं खड़ा नहीं हो पाती हूँ, बैठ नहीं पाती हूँ, हर टाइम ऐसा लगता है मेरा पूरा दुनिया घूम रहा हो, तो ऐसा तो नहीं चल सकता है ना। तो उस वजह से मैंने जो है गोलियाँ स्टॉप कर दिया है, जो कि मैंने डॉक्टर से बात करके किया है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ हो रहा है तो आपके साथ भी ऐसा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका बॉडी अलग अलग है, सबकी बॉडी जो है प्रेगनेंसी में अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। और क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं क्या क्या खाती हूँ डेली रूटीन में, तो वही शेयर कर रही हूँ, तो वही खाना पीना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि एक के बाद एक मैं खाती जा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं। और आज मेरे लंच में है ये देखिए, एक करी, साथ में है गुया की एक सूखी सब्जी और साथ में सलाद। सलाद में आज बस मैंने खीरा लिया है और राइस, इसी से मैं करूँगी आज का दोपहर का लंच। और घर पे सबका लंच हो चुका है और सबसे बाद में मैं खा रही हूँ, क्योंकि मुझे इस टाइम ना भूख बहुत कम लगती है, और जब भूख लगती है मैं तभी खाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं खाती हूँ, इससे मेरे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है इसी वजह से। अभी मैं जो है लंच करके उठी हूँ और यहाँ पे देखिए बाबू सो गया है आराम से, उसके साथ मैं भी मतलब उसे सुलाते सुलाते मैं भी पता नहीं किस टाइम सो गई। और इस टाइम ना नींद इतना ज़्यादा आने लगा है कि क्या ही बताऊँ, और खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी है। और इस टाइम ना ज़्यादा मैं खा ही नहीं पाती, जितना चावल की क्वांटिटी मैंने दिखाया था ना आप लोगों को, वहाँ से भी आधा खाना मैंने नहीं खाया है, नहीं खा पाती हूँ, जितना खा पाती हूँ उतना ही खाती हूँ। और अभी बहुत ज़्यादा आइसक्रीम की क्रेविंग्स हो रही है, तो इसीलिए फ्रिज से निकालते हैं आइसक्रीम और बैठ के बिल्कुल रिलैक्स करके हम लोग खाएंगे आइसक्रीम। तो ये है मेरा आइसक्रीम, तो चलिए अभी आइसक्रीम खाते हैं ताकि थोड़ा सा शरीर को भी ठंडक मिले और मन को भी शांति मिले। और दोस्तों प्रेगनेंसी में एक मिथ है कि आपको ज़्यादा ज़्यादा खाना है, दो लोगों का खाना आपको अकेला खाना है क्योंकि आप एक बेबी कैरी कर रही हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप जितना खा सकते हो उतना ही आपको खाना चाहिए, नहीं तो आपको जो दिक्कत होगी वो आपको ही झेलना पड़ेगा। ये मिथ है और कुछ भी नहीं है, आप जितना खा सकते हो उतना ही खाओ, मेरा ये मानना है। और मेरा डॉक्टर ने भी वही कहा है कि आप जो खा सकते हो वो ही खाओ। और यहाँ पे है आइसक्रीम, कितना सुंदर लग रहा है, देख के मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे मैं लेके बैठ गई आइसक्रीम, और आइसक्रीम खाने के बाद मैं थोड़ी देर आराम भी करूँगी। और बाबू यहाँ पे सो रहा है, और कूलर की आवाज़ के वजह से ना मैं कोई बात करती तो आपको सुनाई नहीं देता, तो इसलिए वजह से मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर लिया है और आप लोगों के साथ वॉइस ओवर देके मैं बात कर रही हूँ। और ऐसा ही होना, आप अगर घर में अकेले हो, आपका ध्यान खुद ही रखना है, तो इसी तरीके से आप ध्यान रखो और घर का सारा काम भी करो, तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन टाइम मैं निकालती हूँ क्योंकि मुझे अपना मेरे ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, ये सोच के मैं अपने ऊपर भी ध्यान देती हूँ। और टाइम टू टाइम खाना पीना, टाइम टू टाइम बाबू को खिलाना, बाबू को संभालना, सारा काम करके थोड़ी देर रेस्ट मैं करती हूँ, क्योंकि इस टाइम नींद ऐसा एक चीज़ है ना, आप जितना सोओगे आपका बेबी उतना ज़्यादा हेल्दी रहेगा, और सोना भी चाहिए। और इस टाइम नींद ज़्यादा, किसी किसी को बहुत ज़्यादा नींद आती है, किसी किसी को बहुत कम। और अभी जो है शाम के 8:30 बज चुका है, मतलब रात हो चुका है, और अभी जो है मैं बनाई हूँ यहाँ पे चाउमीन, जो कि बहुत ज़्यादा यमी है। और आफ्टरनून में मैं थोड़ा सा लंच लेट ही किया है, मतलब ऐसे 3:30 बजे मैंने लंच किया है, तो शाम के टाइम मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट खा लिया, आमंड खा लिया और फ्रूट नहीं खाया। और रात में चाउमीन खाने का मन था तो मैंने बनाया चाउमीन, इसी से मेरा आज रात का डिनर कंप्लीट हो जाएगा। और बाबू के लिए, हस्बैंड के लिए मैंने चावल और सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है, वो लोग वो खा लेंगे और बाबू मेरे साथ थोड़ा सा चाउमीन भी खा लेगा अभी बैठ के। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। कैसा लगा आज का वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टाटा।